हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पासपोर्ट पे है ECR स्टेटस और आप ECR स्टेटस को डिलीट करवाना चाहते हैं और चेंज करवाना चाहते हैं उसे ECNR स्टेटस के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो पासपोर्ट है वो पहले बना था हैदराबाद में और प्रेजेंटली आप रह रहे हैं चंडीगढ़ लोकेशन पे पिछले एक साल से, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं नॉन ECR स्टेटस के लिए चंडीगढ़ में? तो दोस्तों हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट लोकेशन पर, लेकिन इसके लिए आपको देना होगा कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला तो है एक ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी अपने एग्जिस्टिंग पासपोर्ट की, यानी कि आपको अपना पासपोर्ट अपने साथ कैरी करना होगा, प्लस उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी रखनी होगी। दूसरा है एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना होगा नॉन ECR कैटेगरी के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं नॉन ECR कैटेगरी के तो। और नॉन ECR कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखी है और वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप नॉन ECR कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो को रेफर ज़रूर करें। उससे आपको रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे वो डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन भी आपको मेरी इस वीडियो में मिल जाएगी। तीसरा है, आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ भी सबमिट करना होगा, क्योंकि आपको अभी एक ही साल हुआ है अपने प्रेजेंट एड्रेस पर रहते हुए, तो आपको उसका एक प्रूफ भी साथ में देना होगा। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो मैंने दी है आपको, ये वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करनी होगी ताकि आपका जो ECR स्टेटस है वो ECNR में चेंज हो जाए। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं पता सबमिट करने होंगे वो आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के नाम से मैंने लिंक नीचे पेस्ट कर रखा है, आप उसे रेफर करें और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देख लें। मान लीजिए कि आपका जो चाइल्ड है उसका जो पासपोर्ट है उस पर प्रिंटेड है ECR स्टेटस। अब ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि चाइल्ड का कोई स्टेटस नहीं होता ECR या ECNR, वो बेसिकली पासपोर्ट जो पेरेंट्स का होता है उसके साथ लिंक्ड होता है। तो अगर आप अपने चाइल्ड का ECR स्टेटस चेंज कराना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक नई पासपोर्ट एप्लीकेशन करनी होगी जो कि री इशू कैटेगरी के अंदर आएगी, यानी आपको जो स्पेसिफाइड चेंजेस करवाने हैं अपने चाइल्ड के पासपोर्ट के पर्सनल पर्टिकुलर्स के अंदर, तो आपको एक री इशू ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन करनी होगी, यानी कि एक नया पासपोर्ट आपको अप्लाई करना होगा। अब दोस्तों, एक क्वेरी और बहुत लोगों की होती है कि पहले क्या होता था, जो हमारा पासपोर्ट होता था उस पर नॉन ECR की भी स्टैंप लगती थी, लेकिन अब ऐसी कोई स्टैंप नहीं लगती है। तो बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर उनके पासपोर्ट के ऊपर कोई भी स्टैंप नहीं है तो इसका मतलब वो ECR है या नॉन ECR है। वैसे मैंने ECR और नॉन ECR से रिलेटेड अपनी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं अपने चैनल के ऊपर, आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, अगर ECR स्टेटस होता है हमारे पासपोर्ट का तो वहाँ पर हमें एक स्टैंप मिलती है ECR वाली, और अगर हमारा जो स्टेटस है पासपोर्ट एप्लीकेशन पे नॉन ECR तो हमारे जो पासपोर्ट इशू होकर हमें मिलेगा उस पर कोई भी स्टैंप आपको नहीं मिलेगी अगर आप बिलोंग करते हैं नॉन ECR कैटेगरी से। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप ECR से बिलोंग करेंगे या फिर नॉन ECR से। तो आई होप दोस्तों ECR के डिलीशन प्रोसेस के बारे में आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, और एक चीज़ और दोस्तों, मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ पासपोर्ट से रिलेटेड या फिर डिश टीवी से रिलेटेड, टाटा स्काई से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज मैं कवर कर देती हूँ अपने चैनल के ऊपर। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्दी से जल्दी आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूँ वो आपको मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।